वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव एपिक्स। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो मैं एक हाउस टूर फिल्म करने वाली हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में यानी कि व्लॉग पार्ट टू में बताया था कि मैं हाउस टूर फिल्म करूँगी, एंड हियर आई एम विद द हाउस टूर। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, हमारा हाउस थोड़ा सा डिफिकल्ट है जानने के लिए। गाइस, लोग मुझे देख रहे हैं, सो उससे पहले मेरी धज्जियाँ उड़ जाए, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो आजू बाजू में प्लांट्स है, दिखाओ जरा यहाँ पे। ओके, सो आजू बाजू में प्लांट्स है, सो ये बेसिकली एंट्रेंस है। इधर दिखाओ गाइस, सो ये बेसिकली एंट्रेंस है। सो यहाँ पे सारे प्लांट्स आते हैं, यहाँ पे भी प्लांट्स है, वहाँ पे तुलस है, फिर प्लांट्स है, एंड वहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, मैं वो बाद में दिखा देती हूँ। सो गाइज, ये हमारा बेसिकली गैलरी, आप बोल सकते हो गैलरी है, वहाँ पे प्लांट्स सब कुछ। एंड यहाँ पे इधर आओ, एंड यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे आप बर्तन या फिर कपड़े धो सकते हो। सो या जैसे हम यहाँ से यहाँ एंटर होते हैं, सो जैसे आप देख सकते हो, अभी हम चप्पल निकालेंगे क्योंकि हमारा घर स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे एक ड्रम है, वहाँ पे दो क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है वहाँ पे। सो यहाँ पे भी प्लांट्स है, यहाँ पे एक एरिया है जहाँ चीज़ें हम यूज़ नहीं करते वो सारी रखी हुई है। गॉड नोज मेरा रैकेट वहाँ पे क्यों रखा हुआ है। सो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है डियर की और उसके बच्चे की, यहाँ से दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है, यहाँ पे दो कुर्सियाँ हैं, एंड यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पीकर है और उसके ऊपर सब कुछ बर्तन वगैरह है। यहाँ पे हमारा एक खॉट है, तो या एंड आगे ही, एंड यहाँ पे भी हमारी एक पेंटिंग है ब्यूटीफुल सी, मराठी में लिखा है, मुझे पता नहीं कि मुझे इतनी अच्छी मराठी पढ़ने नहीं आती। एंड यहाँ पे पता नहीं कौन सा वर्क है दीवार पे, इस वर्क को क्या कहते हैं, भाई को भी नहीं पता, इस वर्क को स्टोन वर्क कह सकते हैं, स्टोन वर्क क्या न्यू इन्वेंशन। सो अभी हम यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पे कुर्सी है एज यूजुअल, एंड ऊपर गणपति जी की फ्रेम नहीं है, वो भी पेंटिंग है, 3D पेंटिंग। एंड यहाँ पे आप इस साइड पे आते हो, सो यहाँ पे एक बर्थडे सी झरना की पेंटिंग है, वहाँ पे सूरज है। सो यहाँ मटीरियल स्टोर होते हैं, एंड इसके नीचे ये ऐसे हमने प्लेट करा हुआ है क्योंकि यहाँ से चूहा निकलता है बाहर और मुझे चूहे की बहुत डर है, एंड मैं वो बाद में दिखाती हूँ। सो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः शेल्फ है जिसमें हम सारा कटलरी स्टोर करते हैं। एंड जैसे ही आप यहाँ आओगे, यहाँ पे एक कॉर्नर है जिसमें भी सामान ही स्टोरेज है। गाइज, ये दो जो रूम्स आप देख रहे हो उसमें स्टोरेज एरिया ही ज़्यादा है। सो एंड उसके बाद यहाँ पे सारे बर्तन रखे हुए हैं, ये एक कबर्ड है, एंड यहाँ पे एक गॉड प्लेस है वी कैन सी, एंड यहाँ पे भी एक टंकी है, टंकी नहीं ड्रम है, यहाँ चार ऐसे हैं। एंड यहाँ पे सिलेंडर है, गैस, वन गोनी फोल्ड करके रखी हुई है, एंड यहाँ पे एक और टंकी है जिसमें पानी नहीं है बट पता नहीं क्या है, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। ऑयल का कैन एंड चपाती स्टोर करने वाला डब्बा, यहाँ पे है एक कैरी बैग, एंड देयर इज़ द एरिया जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, कहा था कि यहाँ से चार्जर जाता है, सो दैट इज़ दैट एरिया। एंड जैसे कि आप आगे वॉक, यहाँ पे भी है दो थैली, एंड ऊपर एक न्यू बॉट चप्पल फॉर अज्जी दादी है। जैसे कि आप अंदर जाते हो गाइज, मुझे इसकी लाइट लगानी पड़ेगी। सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ से एंटर करते हो, सो बेसिकली यहाँ पे दो फैमिलीज रहती है, मतलब सेम वो हमारी एक पार्ट भी है वो हमारे फैमिली का, बट उन्हें एक अलग किचन चाहिए था, तो यहाँ पे ट्यूबलाइट की रोशनी बहुत झलक रही है। सो यहाँ पे उनके दो शेल्व्स है, यहाँ पे सारे बर्तन हैं, एंड यहाँ पे भी सारे बर्तन ही है।
यहाँ पे एक टेबल है, उसके भी उसमें भी बर्तन ही है, एंड यहाँ पे एक शेल्फ है जो भी मैंने भी नहीं देखा उसमें क्या है, एंड यहाँ पे स्विच बोर्ड, थैलियाँ, एक पर्स, यहाँ पे भी सारा स्टोरेज स्टफ है, एंड यहाँ पे एक गैस है, यहाँ पे एक स्पेशल थिंग है, यहाँ पे एक चूल भी है, यहाँ पे भी स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया, चूल है तो जलन जलन क्या बोलते हो उसे, चूल है तो उसके लिए लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी, सो यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, यहाँ पे एक सिटिंग है, सिटिंग क्या बोलते हो उसे, सिटिंग मेरे मुंह में नहीं आ रहा है वो शब्द, एंड यहाँ पे भी कुछ है। गाइस वायर दिख रही होगी आपको क्योंकि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। यहाँ पे कप्स है, देन यहाँ से एक और न्यू रूम स्टार्ट्स। सो यहाँ पे एक टब है एंड चूल्हे पे रखने वाला बर्तन, यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ पे गिरन है जिसमें आप घर से ही आटा वगैरह ये कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे भी पीने का सारा इंतज़ाम करा हुआ है। यहाँ से जो मेरा भाई है उसका घर यहाँ से स्टार्ट होके, उसका घर इज़ बेसिकली अ बंगला, सो या ये स्टार्ट होता है वहाँ से, एंड हमारे पास भी एक बंगला है, लेकिन अगर मैं उसका भी टूरिस्ट में करूँगी तो ये वीडियो बहुत हेवनली बहुत लंबी हो जाएगी। सो यहाँ से अब एंटर करते हो तो यहाँ पे एक टेबल है, ये एक स्विंग टेबल है जिसपे स्विंग मशीन भी है, एंड या यहाँ पे एक बैग है, यहाँ पे सारे कपड़े वो धो के सुखाती हैं, यहाँ पे बर्तन अगर धोते हो तो उस रखने का स्टैंड भी है, एंड अब नेक्स्ट और दो रूम्स हैं, मैं फिर उसके बाद रहस्य बताती हूँ आपको। एंड ये ब्लर क्यों हो रहा है गाइस? सो जैसे कि आप यहाँ से जाते हो, यहाँ पे एक रूम आता है। सो गाइस यहाँ पे एक और रूम है, ये मेरी मासी का रूम है तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, यहाँ पे भी स्टोरेज है, एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलेंडर, एक और सिलेंडर है, फैन, थैली, एक फुल बेड जो कि इतना भी सॉफ्ट नहीं है, यहाँ पे पेटियाँ रखी हुई हैं। गाइज मैंने लाइट ऑन करी है लेकिन ये लाइट का जो प्रकाश है वो इतना ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे उनका एक कबर्ड है जो भी मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है, लेट्स चेक, यहाँ पे थैलियाँ रखी हुई है, बट समथिंग इंटरेस्टिंग नहीं। यहाँ पे एक मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर, यहाँ पे भी एक सेम ऐसा क्या बोलते हैं स्टोरेज बॉक्स, एंड एक छोटा साइज है, एक टंकी है जिसमें पानी नहीं है ओबियसली, एंड यहाँ पे सारे कपड़े मेरी मासी के नहीं है, किसके है ये, किसके है, मेरी मेरी लेट इट बी गाइज, लेट इट बी। सो यहाँ पे भी तीन सेम है जैसे हमारे किचन में थे, यहाँ पे अगर चूहा आता है तो या, एंड यहाँ पे भी स्टोरेज एरिया है, स्टोरेज एरिया। सो आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँगी आपको, एंड नेक्स्ट रूम में अगर आप आते हो, ये रूम में कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आ रही है। यहाँ जैसे आप यहाँ से यहाँ एंटर करते हो, मेरी जो दादी है, मेरे पास तीन दादी है गाइज, लिटरली तीन दादी मेरे पास है, मैंने दो को ये दिखाया है, तीसरे को मैं दिखाती हूँ, लेट्स सी। यहाँ पे शुभ्रा और ज्ञानेश्वरी लिखी है जो भी मेरी बहनों के नाम है, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे मेरी दादी सो रही हैं, उनका सारा पीने का सामान, एक सोफा जिसपे गद्दे नहीं है, उनकी बैग, एंड ये क्या है, लेट्स सी, सोफे की जो कुशन्स हैं वो यहाँ पे हैं, टॉवल्स, ये यहाँ पे एक टीवी भी था, टीवी पता नहीं कहाँ गया यहाँ का टीवी पता नहीं, यहाँ पे कैलेंडर है, बैठने के लिए चटाई, छोटी सी स्वेटर, एंड या ऐसे जाते हो, सो एक और चटाई, एंड
शिवाजी महाराज का फ्रेम, एक स्विच बोर्ड, एंड यहाँ से आप बाहर जाते हो। मैं चप्पल पहन लेती हूँ, यहाँ से मेरी नहीं है, फैमिली मेम्बर की है तो पहने हो तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। सो यहाँ से आप यहाँ ऐसे ही बाहर आते हो। सो यहाँ से अगर आप यहाँ देखोगे, सो मैंने आपको दिखाया था, देखो मेरे भाई का घर, ये वो है, देख पा रहे हो, उसकी स्टेज दिख रही है। एंड यहाँ से यहाँ पे बकेट्स, डस्टबिन, पाइप्स, ये सब कुछ, टंकी, एंड यहाँ पे एक बाथरूम वी कैन से या। एंड यहाँ से आगे का मैं आपको फेस टू फेस दिखाती हूँ। सो गाइस, फेस टू फेस में आ गए हैं। सो अभी हम यहाँ से आगे जाते हैं। चलो, सो यहाँ पे हमारी एक साइकिल है एंड उससे आगे हम जाते हैं। गाइस, यहाँ पे एक सीक्रेट है। चलो चलो चलो, यहाँ से हमारा घर दिखता है, देखिए। इसलिए मैंने कहा था हमारा घर अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो मेरे पास, मतलब मेरी दादी ने एक हेंस का भी घर, गाइस ये बहुत जा रहे हैं ट्रक्स, पता नहीं क्यों। हाँ, सो मैं आपसे बोलना चाहती थी कि जो मेरी दादी है उन्होंने उनके हेंस के लिए भी एक घर बनाया, सो मैं वो दिखा दिया। चलो गाइस, चलो। सो यहाँ से आप ऐसे जाते हो, सो मैं ये डिफिकल्ट रोड चूज कर रही हूँ। मैं गिर गई गाइस, हम गिर गए। यहाँ से ऐसे आगे जाते हैं। यहाँ पे आता है हेंस का घर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर रूम। हाइट बड़ी पड़ रही है। सो यहाँ पे सारा स्टोर एरिया हमारा, स्टोरेज, एंड यहाँ पे है एक नेट हाउस, ये हेन का हाउस है। एंड या थोड़ा सा व्यू दिखाना। सो गाइस, ये व्यू, ये जो आप देख रहे हो, ये घर आप देख रहे हो, सो ये हमारे ही फैमिली मेंबर का घर है, लेकिन मैं वो दिखा नहीं रही हूँ। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। गाइज, आई नो ये होम टूर थोड़ा सा हिले डुले हो गया होगा। सो या, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। बैलगाड़ी।